नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर 2018 का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन का इंतज़ार था। तो एसबीआई ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने 2000 वैकेंसीज़ निकाली है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एस्पिरेंट्स के लिए। ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्यों है? क्योंकि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रीमियम जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एसबीआई का जो ब्रांड वैल्यू है वो सब बैंक से सबसे ज़्यादा है और इसका जो पे स्केल है वो भी सब बैंक्स के मुकाबले बहुत अच्छा है, हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल बैंक्स है। आरबीआई के बाद ये टफेस्ट एग्ज़ाम है क्रैक करने के लिए। इस बैंक के बारे में बोला जाए तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है और इसमें काम करना एक सोशल प्रेस्टीज के मुकाबले है। तो क्या है इस नोटिफिकेशन में, आइए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने हमारा प्रेप इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये एसबीआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रोमोशन डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। ये उनका एडवर्टाइजमेंट नंबर है इस साल का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 21 अप्रैल से लेकर यानी आज से चालू हो जाएगा और ये 13 मई तक रहेगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि पीओज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैंडिडेट सेलेक्टेड आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशंस इनवाइट करता है। जो भी कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजन्स एलिजिबल हैं और कैंडिडेट्स सिलेक्शन होने के बाद उनका ट्रांसफ़र या पोस्टिंग कहीं पे भी की जा सकती है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे दिया गया है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीट ओनली व्हेन द फी इज़ डिपॉजिटेड एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट। दो वेबसाइट यहाँ पे दी उन्होंने, bank.sbi/careers एंड sbi.co.in/careers रेगुलरली फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। तो अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा, उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बिना जो बैंक की फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस है, डिपॉजिट किए बिना कंप्लीट नहीं होगी और उनको लास्ट डेट जो है उससे पहले पेमेंट ऑफ फीस करनी है और ऑनलाइन मोड में करनी है। और कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि ये दो वेबसाइट है, इसको रेगुलरली चेक करते रहें। अपडेट्स के लिए सेपरेट इंटीमेशन या कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं भेजा जाएगा कोई अपडेट या चेंज के लिए। इसको थोड़ा हम एक्सपांड कर लेते हैं। एनी एलिजिबल कैंडिडेट जो एसबीआई ज्वाइन करना चाहता है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। जो एग्ज़ामिनेशन है वो 3 फेसेस में होगा, 3 फेसेस में होगा। पहला फेस है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, दूसरा है मेंस एग्ज़ामिनेशन और तीसरा है ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। सो ये 3 फेसेस में रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। तो कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल हैव टू अपीयर फॉर मेन एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स जो मेन एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली पढ़ना है रिगार्डिंग जो प्रोसेस एग्जामिनेशन का, इंटरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और इसका पेमेंट ऑफ फीस, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, कॉल लेटर एक्सेट्रा। यहाँ शेड्यूल दिया गया है जो टेंटेटिव है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। तो ऑनलाइन ये अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। 21 अप्रैल यानी आज से चालू हो गया है और ये 13 मई तक जाएगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्जेस सेम डेट्स है, 21 अप्रैल से 13 मई तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये आप 18 जून के बाद से कर सकते हैं। कॉल लेटर्स प्रीलिम्स के लिए डाउनलोड। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का रहेगा आपका 1st, 7th एंड 8th ऑफ जुलाई। प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट आएगा वो 15 जुलाई को आएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर मेंस एग्ज़ामिनेशन 20 जुलाई को। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो 4 अगस्त को होगा। मेंस का जो रिज़ल्ट आएगा वो 20 अगस्त को होगा। इंटरव्यू के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 1 सितंबर को और ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू कंडक्ट होगा 24 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। और आपका फाइनल रिजल्ट्स जो है वो 1 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये डेट्स ये डिसाइड किए उन्होंने, हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें डेट्स में फेरबदल हो सकता है। जो कैंडिडेट्स SC/ST को बिलोंग करते हैं और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहते हैं तो ये 28 मई के बाद आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी वो 18 जून से 23 जून तक रहेगी। तो यहाँ पे दोबारा रिपीट किया गया है दोनों वेबसाइट्स को कि आप इन दोनों वेबसाइट्स में के टच में रहिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई है, वैकेंसीज़ देखते हैं। तो वैकेंसीज़ यहाँ पे टोटल 2000 वैकेंसीज़ दी गई है, जिसमें SC के लिए 300 वैकेंसीज़ हैं, ST के लिए 150 वैकेंसीज़ हैं, OBC के लिए है 540, जनरल के लिए है 1010 वैकेंसीज़, और यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई है PWD कैंडिडेट्स के लिए टोटल 118 वैकेंसीज़ हैं, और ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है उनका। बैकलॉग वैकेंसीज डिटेल्ड एज अंडर हैव बीन इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन टोटल वैकेंसीज। तो ये बैकलॉग वैकेंसीज है, ये भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है 2000 वैकेंसीज में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या इसके लिए क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसके लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चाहिए, कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the central government। ये final year candidates के लिए है, those who are in the final year या semester of their graduation apply कर सकते हैं provisionally subject to condition कि अगर उनको interview के लिए बुलाया जाए तो उनको proof देना पड़ेगा कि exam उन्होंने pass कर लिया है 31 अगस्त से पहले 31/08/2018 से पहले या उस डेट को ऑन और बिफोर को उन्होंने पास कर लिया है। कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री IDD जो है उनको इंश्योर करना है कि जो IDD है वो ऑन और बिफोर 31 अगस्त 2018 से पहले या उस डेट को हो जाए। और कैंडिडेट्स जिनके पास CA की डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ नोट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हालाँकि इस वीडियो में बताने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ये परसेंटेज के बारे में दिया गया कि कैसे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज करना है। दूसरी जो क्राइटेरिया है ये है एज लिमिट के बारे में, एज ऑन 1/4/2018 नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबाउ 30 ईयर्स। सो 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक रहेगा एज ऑन 1/4/18, यानी कि कैंडिडेट्स जो हैं वो 1/4/1997 के बाद एंड 2/4/1988 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, एंड दोनों डेट्स को इंक्लूसिव करके। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप रिस्पेक्टिव एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। जैसे SC/ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स दिया गया है, OBC के लिए 3 ईयर्स दिया गया है, और इसमें आप और भी देख सकते हैं रिलैक्सेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि कैंडिडेट्स जिनका रिकॉर्ड है डिफ़ॉल्ट करने में, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज़, और जिनके अगेंस्ट सिबिल में एडवर्स रिपोर्ट है या कोई और एक्सटर्नल एजेंसीज़ में, तो वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए। और कैंडिडेट्स जिनके अगेंस्ट कोई एडवर्स रिपोर्ट है रिगार्डिंग कैरेक्टर ठीक नहीं है, एंटेसेडेंट्स, मॉरल टर्पिट्यूड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप देख लीजिए। तो रिजर्वेशन फॉर फिजिकली कैंडिडेट्स, हेयरिंग एप, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। चलिए अगले पेज में जाते हैं। ओके, ये कैटेगरी के बारे में दिया गया है, कैटेगरी कोड दिया गया है, तो जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनका कोड यहाँ पे दिया गया है वो आप। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो भी आपने एक बार कैटेगरी भर दी है तो वो आपको बाद में चेंज नहीं करने दिया जाएगा, इसीलिए आप अप्लाई करते टाइम अपना जो कैटेगरी है वो ध्यान से भरें। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर है PO के लिए, वो 3 टायर्ड प्रोसेस में किया जाएगा, 3 स्टेजेस में किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज है इसका जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स का और ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट में 3 सेक्शन होंगे, सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। तो एक ये नई चीज़ देखने को मिल रही है कि सेपरेट टाइमिंग है ईच सेक्शंस के लिए। तो क्या सेक्शंस है इसमें? पहला है इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स हैं सब सेक्शंस के 100 और ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 35 मार्क्स के रहेंगे 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी है 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के। सो टोटल मार्क्स 100 हैं एंड टाइम है आपका टोटल 1 आवर रहेगा विथ 20 मिनट्स ईच सेक्शन। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में आप कैसे पहुंचेंगे उसका क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आते हैं उसके एग्रीगेट करने पे एक कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी और अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स जो बच्चे हैं हर एक कैटेगरी के वो उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट। सो टॉप से बॉटम तक जितने भी रहेंगे 10 टाइम्स उनको बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। फेज़ 2 जो है मेंस एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 200 मार्क्स का एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा 50 मार्क्स का। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। तो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ऑनलाइन रहेंगे। कैंडिडेट्स को है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा इसीलिए उसको ऑनलाइन कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद इमीडिएटली देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो 3 आवर्स ड्यूरेशन का रहेगा और इसमें 4 सेक्शन रहेंगे टोटल 200 मार्क्स के। तो पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चंस 60 मिनट्स के लिए। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चंस 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस 40 मिनट्स। सो टोटल क्वेश्चंस है 155 एंड ड्यूरेशन होगा इसका 3 आवर्स विच सेक्शनल टाइमिंग्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 30 मिनट का रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के और ये टेस्ट करेगा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि लेटर राइटिंग एंड एस्से रहेगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए एप्लीकेबल रहेंगे और इसके लिए आपको रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी रहेगी। कितनी पेनल्टी रहेगी वो देखते हैं यहाँ पे। सो देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी रहेगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में और ये आपकी 1/4 मार्क्स रहेगी पेनल्टी के लिए। अगर क्वेश्चन को आपने खाली छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई मार्क्स जो है पेनल्टी नहीं किए जाएंगे, कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया 3rd स्टेज के लिए है ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू जो है। सो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो कि एग्रीगेट मार्क्स आप मेंस एग्जामिनेशन में स्कोर करते हैं और इसको 3 टाइम्स जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रहेगी उतने बच्चों को बुलाया जाएगा ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के लिए from the top of the merit list subject to candidate scoring minimum qualifying score in aggregate। तो minimum qualifying score जो रहेगा उतना उनको score करना पड़ेगा और जितनी vacancies है उसके 3 टाइम्स group exercise and interview के लिए बुलाए जाएंगे। तो phase 3 है group exercise and interview जो कि group exercise रहेगा 20 मार्क्स का एंड इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क्स का। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर जो बच्चे OBC कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उनको नॉन क्रीमी लेयर कॉज का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स अगर वो सबमिट नहीं करते हैं नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज सर्टिफिकेट और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जनरल कैटेगरी में आप इंटरव्यू कर लीजिए तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान से अगर ओबीसी भर रहे हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए या तैयार रखिए। फाइनल सिलेक्शन जो होगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि जो मार्क्स आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 में आएंगे वो ऐड नहीं किए जाएंगे। सो विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। ओनली जो मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशन में रहेंगे एंड आपके ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू में रहेंगे वही आपके ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सो मेंस एग्जामिनेशन में यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू फेज़ 3 के ऐड करके आपकी फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। तो कैंडिडेट्स जो है उनको फेज़ 2 एंड फेज़ 3 सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो आपका मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो 250 मार्क्स का रहेगा, उसको वो लोग 75 मार्क्स के इक्विवेलेंट बना देंगे, और जो इंटरव्यू जो 50 रहेगा उसको 25 मार्क्स का बना देंगे। तो आपका बाद में मेरिट लिस्ट बनाएंगे, वो आप 100 में से कितने आपको मिले हैं उसके हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बना के आपका मेरिट वाइज सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनल जो रिज़ल्ट है मेंस एग्जामिनेशन का या ग्रुप एक्सरसाइज का या जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दिया गया है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज़ अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। और जो टेंटेटिव लिस्ट है वो Annexure 1 में दी गई है। कोई भी चेंज आपका एग्जामिनेशन सेंटर का एंटरटेन नहीं किया जाएगा। SBI के पास राइट है कि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर वो कैंसिल कर सकती है या फिर ऐड कर सकती है, उनकी अपनी डिस्क्रिशन है इसके बारे में। SBI के पास ये भी राइट है कि जिन्होंने सेंटर कैंडिडेट ने भरा है उसके अलावा वो दूसरा सेंटर भी दे सकती है, और उनको अपने ही खर्चे पे रिस्क पे सेंटर पे आना है। SBI उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। कोई भी आपको अनरूली बिहेवियर मिसबिहेवियर एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपका कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। और सेंटर फॉर मेन एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ी लिमिटेड रहेगी, वो कम रहेंगे। इवॉल्यूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी सैलरी या कितनी बेसिक पे आपकी रहेगी। फ़िलहाल प्रेजेंटली जो बेसिक पे है वो है 27,620 विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट इन द स्केल ऑफ 23,700 से आपकी 42,020 की रहेगी, जो कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की रहेगी। इसके अलावा जो ऑफिशियल है उनको DA, HRA, लीज, रेंटल, CCA, मेडिकल और अदर अलाउंसेज एंड प्रिक्विजिट्स मिलेगी, जो कि टाइम टू टाइम फोर्स में रहेगी। सो यहाँ पर टोटल कॉम्पनसेशन दिया गया है ऑन CTC बेसिस, कॉस्ट टू कंपनी। मिनिमम जो है 8.20 लैक्स एंड मैक्सिमम 13.0 लैक्स। ये आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे डिपेंड करेगा और अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कुछ और भी एक नया कुछ है ऑफ़र, इसके बारे में शायद आपको बाद में पता लगे। स्मार्ट कंपनसेशन पैकेज कुछ वो ला रही है, अगर कुछ अप्रूवल हो जाता है तो शायद आपकी सैलरी बढ़ जाए। तो ये बाद में आप इसके बारे में सोचिएगा। मेन चीज़ अभी आप इसको क्लियर करने के बारे में सोचिए। ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग एंड कैरियर पाथ। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिक बैंकिंग नॉलेज के तरफ एक्सपोज किया जाएगा उनको, और ज्वाइन करने से पहले उनको एक ऑनलाइन कोर्स करा जाएगा जो कि उनको मैंडेटरली कंप्लीट करना पड़ेगा। कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 लाख का उनको बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा एंड मिनिमम पीरियड होगा 3 इयर्स का सर्व करने के लिए। अगर वो 3 इयर्स से पहले छोड़ के जाते हैं तो बैंक आपकी वो 2 लाख का बॉन्ड है वो आपको भरना पड़ेगा, या कोई गारंटी आप देते हैं तो बैंक उसको अपना जब्त कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद जो प्रोबेशनरी ऑफिसर उनको डेजिग्नेट किया जाएगा और 2 साल के लिए वो प्रोबेशन में रहेंगे। तो ये नेक्स्ट स्किल के बारे में दिया गया है, ये इतना इम्पॉर्टेंट अभी नहीं है, हालांकि आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस। SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ है इंटीमेशन चार्जेस ओनली, एंड जनरल OBC के लिए 600। ये है आपकी एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस। फ़ीस आपने एक बार पे कर दी है तो किसी भी हालत में रिफ़ंड नहीं की जाएगी या कहीं और एडजस्ट नहीं की जाएगी। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग है जो कैंडिडेट्स हैं SC ST, और ये जो कैंडिडेट्स हैं एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये सेंटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर दिया गया है। नंबर ऑफ़ चांसेस हैं तो इसमें आपके लिए चांसेस दिए गए हैं कि आप अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 4 बार आपको चांस मिलेंगे SBI के लिए, और 4 बार से ज़्यादा हो जाते हैं आपके चांस और आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आगे से आप SBI के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, जिसमें SC ST कैंडिडेट्स के लिए नो रिस्ट्रिक्शन है, वो कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके नंबर ऑफ़ चांसेस हैं वो 2010 से काउंट कर किए जा रहे हैं। ओके, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो है एग्ज़ाम देने का वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। और ये भी एक चीज़ दिया गया है कि उन सालों में जहाँ पर ओनली 1 रिटन एग्ज़ामिनेशन था, यानी जिसमें प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन नहीं था, तो उस एग्ज़ाम में अपेयर होने का चांस काउंट किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। कैसे अप्लाई करना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है 21 अप्रैल से 13 मई तक। कोई और भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्या इसकी अप्लाई करने की प्री रिक्विजिट्स है, क्या ज़रूरतें हैं? वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए ताकि आपके उस आईडी पे नेसेसरी जो है कम्युनिकेशन भेजा जा सके बैंक की तरफ से। गाइडलाइंस यहाँ दी गई है। ये दो वेबसाइट पर जा सकते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस है, ऑनलाइन ही करना है। उससे पहले अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करना है, इस वेबसाइट पर जाना है और अप्रोप्रिएट लिंक जो है वो ओपन करके जहाँ करंट ओपनिंग्स लिखा होगा तो इसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि सेम ही होता है हर एग्ज़ाम का, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। ये आपका गाइडलाइंस दिया गया है स्कैन करने के लिए, फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स। कॉल लेटर है एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो कैंडिडेट्स हैं वो अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट है एग्ज़ाम के लिए, क्या जो ज़रूरी जानकारी दी है वो इस बुकलेट में दी जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ डाल के इस वेबसाइट से। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको सबमिट करनी पड़ी एग्ज़ाम के लिए, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एग्ज़ाम सेंटर में लाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपका एग्ज़ाम सेंटर में, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये सब जो नॉर्मल दिया जाता है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स गड़बड़ी करते हैं उसके अगेंस्ट बैंक जो है एक्शन ले सकता है। मोबाइल फ़ोन, पेजर, कैलकुलेटर्स वगैरह अलाउड नहीं है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। कैंडिडेट्स को ये चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर में लानी ही नहीं है और कैलकुलेटर्स भी उनको परमिटेड नहीं है। जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो प्रिंट आउट रखे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो इसको भी आप पढ़ सकते। नॉर्मली हर जो IBPS एग्ज़ाम्स में होता है वो सेम ही रहता है। कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं तो उनको NOC लाना है इंटरव्यू के टाइम में। अगर वो नहीं लाते हैं तो उनको इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ में या बैंक्स में। तो इतना ही है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेज नंबर 4 में आपके सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड मेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको आप देख लीजिए कि कौन सा जो सेंटर आपके घर के करीब है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं स्कैनिंग ऑन एंड अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर्स एंड फ़ोटोग्राफ, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फ़ोटोग्राफ के लिए है, सिग्नेचर के लिए है, स्कैनिंग के लिए है। और ये प्रोसीजर कैसे दिया गया, कैसे आपको सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। एप्लीकेशन जो आपकी रजिस्टर नहीं की जाएगी जब तक आपने फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं किया जैसा कि बताया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता दी है। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेशन इसकी ऑनलाइन हो चुकी है, आज से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 13 मई तक। और इसके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए और इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। सो पास क्लास जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उनको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी फील्ड में हो उनको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा SBI के बारे में, तो आप मेरा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो वीडियो है SBI PO और SBI क्लर्क के बारे में वो रेगुलरली मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।